ऑन कर दिया, माइक ऑफ था मेरे से ना, ऑन कर लिया। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सालोम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और आपसे माफ़ी चाहते हैं इतनी लेट क्लास शुरू करने के लिए। आप स्ट्रगल देख ही रहे होंगे, आज जो है पैनल काम नहीं कर रहा है, बार बार हैंग हो रहा है, तो इस वजह से क्लास लेट हुई है। तो जितना लेट हुआ उतना ही जल्दी शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है राजस्थान में वन्य जीव। राजस्थान में वन्य जीव में हम पढ़ेंगे क्या क्या वन्य जीव अभयारण्य कहाँ कहाँ पर है, नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर है, टाइगर रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर है, कंजर्वेशन रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर है। तो जो भी वाइल्ड लाइफ के बारे में जो होता है वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक बार सेशन को सभी शेयर कर दें ताकि सभी लोग के पास जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाए और सभी लोग जुड़ जाएँ। एक बार फिर शुरू करते हैं क्लास। नील रतन जी, बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं, आपका टाइम जो है कीमती है और समय से ज़्यादा बलवान और कीमती कोई चीज़ होती नहीं है। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग और सभी को राम राम। ठीक है, सभी एक बार सेव कर दें। खनक जी, आपकी बात सही है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, अगला पहला क्वेश्चन करें। चले, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? हेम शर्मा जी नमस्ते, राजकुमार जी भारत माता की जय। भाई सभी को नमस्ते, आज कमेंट कम पढ़ पाएंगे,
ठीक है ना। हाँ जी, धन्यवाद कुमार जी। ठीक है, तो हाल ही के अंदर जो न्यूज़ में रहा था, कौन सा रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य था, उसको किस में बाघ संरक्षित टाइगर जो है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के अंदर जो है इसको शामिल कर दिया गया, कौन सा फोर्थ है, कब किया गया, 2021 के अंदर किया गया रामगढ़ विषधारी जो वन्य जीव अभयारण्य है। ये इस पॉइंट पर चल ही नहीं रहा है, वन्य जीव अभयारण्य है ये 1982 के अंदर बनाए भाई। ठीक है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य जो है बूंदी के अंदर है, और जो इसको चौथा बाघ संरक्षित टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया जाएगा ये होगा बूंदी और झालावाड़ के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ये दो जिले मेंशन किए गए, ये चीज़ याद रखना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। देश का 52वां, ठीक है जी, भाई एक बार सभी को शेयर कर दें सेशन, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोग पधार जाएं। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा था, नेशनल पार्क की बात हो रही है, पहला कौन सा था अभी, ठीक है, कौन सा था, रणथंभौर नेशनल पार्क था, मरु उद्यान ये है, वैसे तो दोनों हैं जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर, इसके बारे में एक कुछ बातें याद रखनी है, जैसलमेर बाड़मेर के अंदर है और 1980 के आसपास शायद ये बना था, 1980-81 के आसपास, और इसकी जो लेंथ है 31 दूनी कितना होता है अभी 62 जो है इसका एरिया है, 3162 स्क्वायर किलोमीटर, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, एक तो घास घास जो पड़ी थी ये एरिया काम नहीं कर रहा है अभी इस वजह से, ये वाला नहीं कर रहा है ना। ठीक है, इसको एक तो थी कौन सी घास, सेवन घास होती है इसके अंदर, ठीक है, गोडावन की जिसको शरणस्थली बोलते हैं। मरु उद्यान के अंदर कौन से जीव जो हैं ज़्यादा पाए जाते हैं, एक तो अपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको क्या बोलते हैं गोडावन, और एक होता है चिंकारा। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। आकल वुड फॉसिल पार्क जो होता है जिसमें जुरासिक टाइम पीरियड के जो अवशेष मिले वो कहाँ पर है, वो भी मरु उद्यान के अंदर है। इसमें दो जिले याद रखने, कौन कौन से, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, सरिस्का कहाँ पर है भी, अलवर के अंदर है सरिस्का, 1954-55 के आसपास सरिस्का का जो है निर्माण हुआ था, स्थापित हुआ था। नाहरगढ़ कहाँ पर है भी, जयपुर के अंदर। ठीक है, ये बातें इनके अंदर याद रखेंगे। तो पहला कौन सा है भी, रणथंभौर नेशनल पार्क की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन करें भी, सभी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। हाँ जी, सेवण को स्थानीय भाषा में लीलोण बोलते हैं। ठीक है, वैसे ये चारा गाह के लिए काम आती है, और इसको बोलते हैं गोडावन की शरण स्थली, गोडावन जो पक्षी होता है इसी घास में जो है अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह है कौन सा है भाई, दो नदी गंभीरी और बाणगंगा, इन नदियों के संगम पर स्थित है वह कौन सा है, केवलादेव, रामसागर, रणथंभौर, वन विहार। एक एक कुमार जी बोल रहे सर कल वाला टॉपिक समझ में आ गया। अच्छा जी, धन्यवाद जी। सेवन का वनस्पतिक नाम, सेवन का भाई अभी दिमाग में नहीं आ रहा, सेवन का वनस्पतिक नाम। ठीक है, तो गंभीरी कौन सा होता है, केवलादेव जो है राष्ट्रीय उद्यान होता है, बर्ड सेंचुरी, केवलादेव बर्ड सेंचुरी, बर्ड भी है घना पक्षी विहार। ठीक है, ये कब बना,
ये बना है 1981 के अंदर। कब बना? 1981 के अंदर। 1981 के अंदर ही जो है इसको किसका दर्जा दिया गया था? रामसर का दर्जा भी दिया गया था। ठीक है, केवला देव को क्या बोलते हैं? पक्षी अभ्यारण्य है, इसको बोलते हैं किसका स्वर्ग? बोलते हैं पक्षियों का स्वर्ग। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर, केवला देव। ठीक है, दो नदियाँ हैं, गंभीरी और बाणगंगा। ठीक है, बाणगंगा के अंदर हमने बताया था, बाणगंगा नदी के ऊपर एक बांध है, कौन सा है? अजान डैम। अजान डैम था, अजान डैम से जो है पानी जाता है किसकी तरफ? केवला देव की तरफ, अजान डैम की तरफ। जो है केवला देव उद्यान को जो पानी देता है, कौन? अजान डैम देता है। और अजान डैम में जब पानी की कमी हो जाती है तो उसको पांचना डैम से जो है पानी मिलता है, गंभीर नदी के द्वारा। ठीक है, ये बातें जो है आपको याद रखनी है केवला देव के बारे में। ठीक है, ये गंभीरी रिवर कौन सी है? गंभीरी रिवर एमपी से निकलती है और इधर से जो आती है बेडच रिवर के सहायक नदी है गंभीरी। और गंभीरी और बेडच नदी के किनारे जो है चित्तौड़गढ़ फोर्ट बसा हुआ है। कौन सा? चित्तौड़ फोर्ट। किसके? ये तो है गंभीरी और ये है बेडच, या इसको बोलते हैं आयड़। ये बातें याद रखनी है इनके बारे में। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करें भाई। मनीता जी गुड इवनिंग। इसका आंसर नहीं आ रहा कभी? भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है भाई? ये लिखी गई है मार्टिन इवांस के द्वारा, 1989 के आसपास जो है इनके द्वारा लिखी गई। ज़्यादा प्रभावित हुए थे भरतपुर जो घना पक्षी अभयारण्य होता है। कैलाश सांखला, कैलाश सांखला क्यों है भाई? इसका आंसर क्यों दे रहे थे आप? ठीक है, जो भरतपुर केवला देव वन्य जीव अभ्यारण्य है वो एक अपने सलीम अली हुए हैं, डॉक्टर सलीम अली, उनकी कर्मस्थली भी बोलते हैं उसको। तो उन्होंने जो अपना वक्त गुजारा, वक्त जो है गुजारा, वो कहाँ पर गुजारा? केवला देव भरतपुर के अंदर गुजारा। आज भी बोर्ड ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो ये याद रखना है भी, मार्टिन इवांस कहीं पूछा हुआ था क्वेश्चन, कोई पूछ ले आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। दर्रा अभयारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में। अच्छा, कैलाश सांकला जान पहचान कर निकला था। तो दर्रा कहाँ पर है भाई? कोटा के अंदर है। कोटा में और कौन कौन से? एक तो दर्रा और एक है चंबल घड़ियाल, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य। ये जो चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य, ये तीन तीन जिलों के अंदर फैला हुआ है। एक तो एमपी, राजस्थान और यूपी। ये कंटिन्यूस नहीं है भाई, टूटे हुए टुकड़ों के अंदर होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अलवर में कौन से वन्य जीव अभयारण्य है? अलवर के अंदर एक तो सरिस्का और सरिस्का ए। ठीक है, सरिस्का कब बना? 1954 के आसपास जो है सरिस्का बना है।
सरिस्का में फेमस क्या चीजें याद रखनी, एक तो हरे कबूतर, मोर, ये सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, सरिस्का में मिलते हैं। सवाई माधोपुर के अंदर कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य है, सवाई माधोपुर में, एक तो सवाई माधोपुर नाम से ही है, सवाई माधोपुर और एक रणथंबोर है, ठीक है। तो ये मुख्यतः जो है वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं भाई राजस्थान में, वन्य जीव अभयारण्य कितने, ये लगभग कहीं पर 27 मेंशन है, कहीं पर 26 मेंशन है, ठीक है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो साइट है उसके ऊपर कितने, 26 हैं। सत्ताईस है, कहीं पे 27 है, कहीं पर 26 है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो साइट है उस पर 26 मेंशन है, ठीक है। और नेशनल पार्क हमारे पास कितने, तीन नेशनल पार्क है, कौन कौन से, एक तो रणथंबोर, एक है केवलादेव और एक है जो मुकुंद्रा हिल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। 27 है, कहीं पर 27 है, कहीं पर 26 है भाई। आपको दिखाते हैं लोगों, 27 26 वाले कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो भाई, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो है राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, जो प्रोटेक्टेड एरिया उनके नाम, टाइगर रिजर्व 1 2 3 4 कौन कौन से हैं, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल्स और जो लेटेस्ट बना है कौन सा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क दिए हुए हैं, तीन नेशनल पार्क हैं, रणथंबोर, केवलादेव, मुकुंद्रा हिल्स, ये नेशनल पार्क दिए हुए। ये जो सेंचुरी है ये कौन सी है, वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। ये कितनी है, अब गिनो, एक से सीरीज शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, 26 के ऊपर हो रही है, केसरबाग सेंचुरी जो है 26 पर। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल साइट के ऊपर दे रखा है वो कितना है, 26, ठीक है। कहीं पर 27 मेंशन है, कहीं पर 26 मेंशन है। ठीक है, जैसे सरिस्का, दर्रा, दर्रा भी पड़ा था कोटा और झालावाड़ के अंदर होता है, वन विहार धौलपुर के अंदर, चलो इनको कराते हैं ना, कौन कौन सी कहां कहां पर है। मुख्य मुख्य जो याद रखनी है आपको वन्य जीव अभयारण्य, आज काम
ठीक है, अलवर से शुरू करते हैं भाई। देखो अलवर में कौन सा है? सरिस्का और सरिस्का ए, एक छोटा है एक सरिस्का नाम से। ठीक है, उसके बाद भरतपुर, भरतपुर के अंदर जो होता है कौन सा है? बंद बारेठ। इस बंद बारेठ को क्या बोलते हैं? जो केवला देव के जो पक्षी होते हैं उनका जच्चा घर इसको बोलते हैं, उनका घर बोलते हैं, केवला देव के पक्षियों का घर, जो घोंसले बनाते हैं वो पक्षियां कहां बनाते हैं? बंद बारेठ के अंदर। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली के अंदर केला देवी। ठीक है, केला देवी करौली और सवाई माधोपुर के अंदर मिक्स है। ठीक है, उसके बाद हाड़ौती के हम देखें, हाड़ौती के अंदर जो है बूंदी से शुरू करें, बूंदी में कौन सा है? रामगढ़ विषधारी, जिसको अब क्या बना दिया गया? टाइगर रिजर्व के अंदर, फोर्थ टाइगर रिजर्व के अंदर जो है इसको घोषित कर दिया गया है। उसके बाद जो है बारह, बारह के अंदर क्या है? बारह इस तरफ पड़ता है, इसके अंदर है शेरगढ़, शेरगढ़ को क्या बोलते हैं? सांपों की शरणस्थली। ठीक है, कोटा, कोटा के अंदर क्या है? दर्रा और चंबल घड़ियाल। ठीक है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ के अंदर दो हैं, यहां वापस काम नहीं कर रहा, चित्तौड़ में कौन कौन से? एक तो है बस्सी और एक है भैंस रोडगढ़। ठीक है, उसके बाद उदयपुर में चले, उदयपुर के अंदर तीन है, कौन सा है? एक तो है जयसंबंद, फुलवारी की नाल और एक है, एक और कौन सा है? ठीक है, इसको छोड़ते हैं अभी एक बार। जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर कौन सा है? राष्ट्रीय मरुद्यान। ठीक है, ये वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद जयपुर के अंदर चले, जयपुर के अंदर क्या है? एक तो है नाहरगढ़ और एक है जम्मू और रामगढ़। ठीक है, तो मुख्यतः जो वन्य जीव अभयारण्य ये हैं, इनमें से याद कौन से रखने हैं? देखो, जिनमें तीन या चार डिस्ट्रिक्ट हैं या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट है, वो वाले कौन से हैं? उनको याद करने मुख्यतः। एक है कोटा और बूंदी और चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, इन तीनों को पकड़े तो ये कौन, तीनों जिले कौन से वन्य जीव अभयारण्य के अंदर आते हैं? ये आते हैं जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य के अंदर। कौन कौन से? कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ को पकड़े और एक पॉइंट रखें, प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर, इसको पकड़ कर लेके आते हैं तो ये कौन से वन्य जीव अभयारण्य के अंदर आते हैं? ये आते हैं सीता माता। ठीक है, उसके बाद उदयपुर, उदयपुर
राजसंबंध और पाली, इन तीनों को पकड़े, उदयपुर, राजसंबंध और पाली, इन तीनों को पकड़े तो ये आता है कौन सा? कुंभलगढ़। ठीक है, एक राजसंबंध, पाली और एक अजमेर का पॉइंट और ले लें। राजसंबंध, पाली और अजमेर, इसको ले लें तो ये आता है रावली टोडगढ़। ठीक है, ये जो मुख्य मुख्य वन्य जीव अभ्यारण्य है जिनमें से एक से अधिक जिले जो मेंशन करते हैं, तो वो बार बार क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, जहां आप कंफ्यूज करते हैं आपको, तो वो इस ट्रिक से या इस तरीके से इसको याद रखेंगे। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर है? मेनली जो पूछता है उनसे ये वाले जिले याद रखने। याद कैसे रखने? ये तो केबीसी, केबीसी का गेम खेलते हैं भाई, कौन बनेगा करोड़पति। केबीसी कौन सा है? जवाहर सागर। एक जो अपना मॉनिटर होता है सीपीयू, सीपीयू, एक पीआरयू और एक पीआरए। इस तरीके से एक बार एक दो बार बना के ड्रॉ करोगे तो जो इजीली हो जाएगा। तो अपना कौन सा क्वेश्चन था? राष्ट्रीय मरु उद्यान कौन कौन से जिले थे? जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर। अगला क्वेश्चन करें भी, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण जिस क्षेत्र में, वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर है? तो ये भी बता दिया, ये कहां पर है? बारा के अंदर। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण, इसको बोलते हैं सांपों की शरण स्थली। ठीक है, कहां पर है? बारा के अंदर। अगला क्वेश्चन करें, भाई एक बार सेशन को शेयर कर दें, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले के अंदर है? आंसर करें भाई, केसरबाग कहां पर है? धौलपुर के अंदर है। धौलपुर में तीन है, कौन सा है? एक तो राम सागर, एक है वन विहार और एक है केसरबाग। राम वन में क्या लेने गया? केसर। राम वन में क्या लेने गया? केसर। और केसर कौन सा था? धौला, धौलपुर के अंदर है भैया। ठीक है, तो केसर बाग कहां पर हो गया? धौलपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन करें, हाँ जी, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण काले हिरण और कुर्जा, काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है? सज्जनगढ़, गजनेर, सरिस्का, ताल छापर। आंसर क्या है? ताल छापर। ये कहां पर है? चूरू के अंदर है। ताल छापर के अंदर एक अपने पढ़ा था, जब वनस्पति पढ़ रहे थे, जब मुख्य घासें थी तो उसमें पढ़ा था मोचिया घास कहां मिलती है? ताल छापर, चूरू के अंदर। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण के अंदर ताल छापर में ही गुरु द्रोणाचार्य उनका आश्रम है। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है?
काले हिरणों के लिए और कुर्जा पक्षियों के लिए, ठीक है। इसलिए जो है चूरू का जो शुभंकर होता है वो कौन सा है, काले मृग, कृष्ण मृग, काले हिरण। अगला क्वेश्चन करें, हाँ जी सालों वाले हाजिरी लगाओ एक बार। प्रवीण खान जी हेलो, ये क्या है भाई, वुडन गैलरी, ठीक है। राजस्थान में एकमात्र अभ्यारण्य जहां पर, कहां पर है भाई, सीता, आज बोर्ड बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गैलरी, ठीक है। और उड़न गैलरी शुभंकर किसका है, ये जो शुभंकर है ये किसका है, प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ का क्यों है भाई, देखो हमने क्या पढ़ा था, सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन कौन से में था, सी पी यू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ठीक है, इन तीन जिलों के अंदर था। तो प्रतापगढ़ इनमें क्या मिलता है, उड़न गैलरी मिलती है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें प्रतापगढ़ है उस जिले का शुभंकर क्या हो जाएगा, उड़न गैलरी। उदयपुर का जो शुभंकर है वो क्या है, कब्र बिज्जू। चित्तौड़ का क्या है, चौसिंगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जितने भी जीव ये कौन से, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर मिलते हैं, ठीक है। सीता माता के अंदर, सीता माता के जो पुत्र कौन थे, लवकुश। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर क्या मिलता है, लवकुश जो है झरना मिलता है। तो कोई क्वेश्चन पूछता है लवकुश झरना कहाँ पर होगे, तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता भी यहां पर मिलती है। सर्वाधिक नदियों वाला बोले आपको कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वो भी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। सर्वाधिक वनस्पति घनत्व वाला वन्य जीव अभ्यारण कौन सा है, तो वो भी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण। अगला क्वेश्चन करें, हाँ जी उदबलाव कोटा का है भाई, आज ये हैंग कर रहा है, पैनल हैंग कर रखा है, तो आज पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा। इधर के आसपास एरिया ये वाला जो है ये हैंग कर रखा है, पता नहीं स्क्रीन में दिक्कत है या फिर। अगला क्वेश्चन करें, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में पड़ता है, ठीक है भाई अब तो कर दोगे, कौन से जिले में पड़ता है जवाहर सागर, केबीसी में पड़ता है भाई, कौन से तीन जिले कौन कौन से बताए थे, के बी सी, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। इनमें से कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है, तो मुख्यतः कहां का हो गया, चित्तौड़गढ़ का जवाहर सागर। अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र या जिला सम्मिलित नहीं है, कृष्ण कुमार जी नमस्ते,
निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र सुमेलित नहीं है? भाई नहीं के बारे में पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? फुलवारी की नाल यही नहीं है, ये कहाँ से निकलती है? राजसमंद के बजाय कहाँ से निकलती है? उदयपुर। ठीक है, केसरबाग, राम वन में केसर, धौलपुर, बस्सी और भैंसरोडगढ़ दो बताए थे, चित्तौड़गढ़ के अंदर, 12 के अंदर क्या बताया था? शेरगढ़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये मैच असम्मिलित है। अगला क्वेश्चन करें, वन्यजीव अभयारण्य एवं संबंधित नदी को इसमें से कौन सा आपने, शेरगढ़ कहां पर पड़ता है? अभी 12 के अंदर, और 12 के अंदर क्या क्या लिखवाया था, कौन सी नदी है? परवन। तो 12 को परवन से मैच कर दें अपन, तो दे में थर्ड 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 वाले ये तीन ऑप्शन है। उसके बाद जवाहर सागर में क्या बताया था? के बी सी, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ये किसके हैं? अपवाद क्षेत्र हैं, चंबल नदी के। तो सह में चंबल नदी कर दें। अब आंसर निकल रहा है क्या? सह में सेकंड, सॉरी सह में फर्स्ट और दे में थर्ड, सह में फर्स्ट दे में थर्ड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर। ए में फोर, बस्सी जो है ओरई और बामनी, और भैंसरोडगढ़ जो है चंबल और बामनी। बामनी नदी जो है ये भी चंबल की सहायक नदी है, किसमें गिरती है? ठीक है, तो नहीं भी आता बामनी नदी के बारे में अगर नहीं भी पता है, तो दो ऑप्शन से अपने स और द से जो है आंसर निकल रहा है। अगला क्वेश्चन करें, निक्कू बूस्टर जी, सर क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? भाई 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है लाइव। अगला क्वेश्चन करें भाई, राजस्थान का वह अभयारण्य जो हरे कबूतरों के लिए, ये बता भी दिया था, हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? सरिस्का। हरे कबूतर के अलावा सरिस्का, मोर, क्या मोर? और मंदिरों की बात करें तो एक तो भर्तृहरि और पांडुपोल, लंगूर भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण। अगला क्वेश्चन करें, ये हरे कबूतर है भाई, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर किया गया? भी सज्जनगढ़, उदयपुर के अंदर। तो ये सारे बायोलॉजिकल पार्क हैं, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। एक जो टोटल कितने, 5 बायोलॉजिकल पार्क हैं, अजमेर संभाग को छोड़ दो और भरतपुर संभाग को छोड़ दो, तो सभी संभाग के ऊपर क्या है बायोलॉजिकल पार्क? जैसे बीकानेर, बीकानेर में कौन सा है? मरुधरा। जोधपुर के अंदर आते हैं तो माचिया सफारी। ठीक है, उसके बाद जयपुर में आते हैं नाहरगढ़, उसके बाद उदयपुर के अंदर आते हैं सज्जनगढ़, और कोटा के अंदर आते हैं तो यहां पर आता है अभेड़ा।
क्या भेड़ा ए भेड़ा कोटा, ठीक है। तो ये क्या है, मुख्य मुख्य बायोलॉजिकल पार्क हैं जिनमें से पहला कौन सा स्थापित हुआ, सज्जनगढ़ उदयपुर। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें भाई, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब किया गया, वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब किया गया, 1972 के अंदर, फोर्थ आंसर हो गया, ठीक है। और एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ईपीए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब, 1986 के अंदर। तो ये सब करवा दिए थे उस क्लास के अंदर जब फॉरेस्ट वाली चीज़ें करवा रहे थे उस टाइम सारे, जो कौन कौन से अधिनियम है। अगला क्वेश्चन करें, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है दो जिले वापस से, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है कहाँ पर है भाई, दो जिले कौन कौन से, सिरोही जालोर है या जालोर जोधपुर है या जालोर बाड़मेर है, सीकर झुंझुनू है। सुंदा माता जालोर में तो है, ये तो सबको पता है, उसके साथ में कौन सा जिला है, सिरोही, ठीक है। सुंदा माता रोपवे भी बनाया गया है अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, सुमेलित कीजिए, वन्यजीव अभयारण्य दिए हुए एक तरफ और एक तरफ जिले दिए गए, बंद बारेठा जयपुर, सीता माता नाहरगढ़ फुलवारी किनाल जयपुर उदयपुर भरतपुर चित्तौड़गढ़, आंसर बताएं भाई, 3 4 1 2, बंद बारेठा एक थर्ड, भरतपुर में बंद बारेठा, ठीक है, सीता माता उदयपुर के अंदर है, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है और फुलवारी किनाल, सॉरी सीता माता चित्तौड़गढ़ के अंदर है और फुलवारी किनाल कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। सीता माता कौन कौन से थे, सीपीयू चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ उदयपुर। अगला क्वेश्चन करें, भाई लाइक नहीं किया सेशन तो एक बार लाइक कर दें, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए फेमस है, जंगली मुर्गे कहाँ के, सिरोही के, सिरोही में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य, माउंट आबू ये है, और सीता माता के अंदर कौन कौन से थे, एक तो उड़न गिलहरी, ठीक है, एक था चौसिंगा, ठीक है। कनक सागर कहां पर है भी, कनक सागर है बूंदी के अंदर, या एक इसका दूसरा नाम क्या है, दुगारी, ठीक है। ताल छापर कहां पर है, चूरू में, काले हिरणों के लिए फेमस या कुर्जा पक्षी के लिए फेमस। अगला क्वेश्चन करें, नरेंद्र राठौड़ जी धन्यवाद आपका, करते हैं फास्ट करते हैं भाई सेशन।
हरिओम सैनी जी, राम राम। ठीक है, सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान तेंदुआ, टोडगढ़ रावली रीच, ये वही उनके बारे में पूछ रहे, कौन कौन से जो है इसमें वन्य जीव फेमस हैं, कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य में कौन कौन से वन्य जीव फेमस हैं। ठीक है, तो बताएं भाई, राष्ट्रीय मरु उद्यान के लिए हमने बताया था कौन कौन से दो हैं, एक तो चिंकारा है और एक है गोडावन, तो ए का थर्ड से आंसर आ रहा है, फर्स्ट आंसर। ठीक है, टोडगढ़ के अंदर, रावली टोडगढ़ के अंदर क्या होता है, कौन कौन से जिले आते हैं, टोडगढ़ रावली के अंदर आता है PRA। ठीक है, आर में क्या होता है, राजसंबंध, और राजसंबंध के अंदर कौन से फेमस, राजसंबंध हो गया, और पी से है पाली, तो पाली में क्या है, पाली का शुभंकर भी क्या है, तेंदुआ, तो रावली टोडगढ़ के अंदर क्या हो गया, तेंदुआ। सीता माता के लिए बताया था उडन गलेरी, और माउंट आबू के अंदर एक याद कर लेना कौन सा है, रीच। ठीक है, और कौन सा है, जंगली मुर्गे। अगला क्वेश्चन करें, कौन सा शुभंकर सुमेलित नहीं है, संजू शर्मा जी नमस्ते। भाई शुभंकर रिवाइज वगैरह थोड़ी कराने, ये तो याद ही होंगे सबको, शुभंकर सुमेलित नहीं है, भीलवाड़ा में मोर, चूरू के अंदर काले हिरण या कृष्ण मृग, सवाई माधोपुर में शेर, जैसलमेर के अंदर गोडावन, तो जैसलमेर का भी सही है, चूरू में बता दिया सही है, भीलवाड़ा के अंदर मोर होता है, और अजमेर में कौन सा होता है, भीलवाड़ा में तो मोर होता है, अजमेर में होता है खड़मोर। ठीक है, ऐसे ही टोंक के अंदर होता है हंस, और नागौर के अंदर होता है राजहंस। ठीक है, ये सवाई माधोपुर में शेर नहीं होता, क्या होता है, बाघ। ठीक है, तो ये चीजें याद रहेंगी। अगला क्वेश्चन करें, हाँ जी भाई, सेशन को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर लें। अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में नहीं है, ये क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व है भाई, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, संरक्षित क्षेत्र अभी कुल 18 हो गए अभी। ठीक है, कुल 18 हो चुके हैं अभी, कुछ ऐड हुए हैं अभी, इनको याद करने की कुछ ट्रिक है, जब संग मन से रोऊं, कभी कभी रोने का मन करता है अभी, तो किसी को साथ लेकर रोना चाहिए ना, और मन से रोना चाहिए, तो जब संग मन से रोऊं, जैसे याद रखना है, एक तो जोहड़ बीड़, कहां पर है जोहड़ बीड़, बीकानेर के अंदर। ठीक है, एक याद रखना है अपने को जवाई, जवाई कहां पर है, पाली, एक जवाई, ये तो फर्स्ट है, एक हो गया सेकंड, जैसे तो हो गया जोहड़ बीड़ और जवाई, वैसे जो याद करना है वो है, एक तो है बोसियाल कहां पर है, खेतड़ी में, खेतड़ी कहां है, झुंझुनू के अंदर। ठीक है, एक है बीसलपुर कहां है, टोंक के अंदर है, एक है बोसियाल
बीसलपुर, और वैसे एक और कौन सा है भाई, बीड। ठीक है, ये बीड कहां पर है, झुंझुनू के अंदर। ठीक है, बीड कहां है, झुंझुनू में। जब हम पढ़ते हैं ना कि शेखावटी वाले क्षेत्र के अंदर जो चारागाह भूमि को क्या बोलते हैं, बीड बोलते हैं, झुंझुनू के अंदर। ठीक है, एक बीड से ही है, बीड घास जो नया बना है अभी, ये कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, से जो याद रखने वो कौन कौन से हैं, एक तो सुंदा माता कहां पर है, जालौर के अंदर। एक है शाकंभरी, शाकंभरी कहां है, झुंझुनू के अंदर। गैस से जो याद रखने वो तो है गोगेलाव, कहां है, नागौर के अंदर। एक है गुड़ा विश्नोई, वो कहां है, जोधपुर के अंदर। बोसियाल भी दो हैं। ठीक है, उसके बाद मन से ये कौन सा है, मनसा माता, ये भी कहां है, झुंझुनू के अंदर। ठीक है, रो से है रोटू, ये कहां है, नागौर में। और एक है रणखड़, ये नया बना है रणखड़, और सबसे बड़ा है अब। और रणखड़ कहां पर है, जालौर के अंदर। एक है उम्मेदगंज, उम्मेदगंज कहां पर है, कोटा के अंदर। उम्मेदगंज पक्षी विहार कहां पर है, कोटा के अंदर। रोटू के बारे में एक फैक्ट याद रखना है, रोटू सबसे छोटा है, रोटू जो नागौर के अंदर है वो सबसे छोटा। ठीक है, और रणखड़ है जालौर में, ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, ये मुख्य मुख्य हैं, इनको याद कर लेना, इन्हीं में से पूछते हैं। अब अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू के अंदर नहीं है। तो गोगेलाव कहां पड़ा था अभी, नागौर के अंदर, बीड झुंझुनू में, शाकंभरी झुंझुनू के अंदर, और मनसा माता भी झुंझुनू के अंदर। ये गोगेलाव कहां पर है, ठीक है, इतनी बातें याद रह जाएंगी। अगला क्वेश्चन करें, गणेश जी गुड इवनिंग। नए नए देखो भाई कौन से हैं, यहीं पे पढ़ रहे थे हम। ये कौन से, कंजर्वेशन रिजर्व, एक तो बनाया भाई, देखो शाहबाद बारा के अंदर, कौन सा है, शाहबाद, शाहबाद नाम से दो बने, कहां पर है, बारा के अंदर। और एक बना है बीड घास वाला जो नया बताया था, भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, एक रणखड़ जालौर के अंदर। मैंने रणखड़ सबसे बड़ा बता दिया क्या, सबसे बड़ा कौन सा है भाई, शाहबाद है। शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व कितना है, 189 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना उसमें। बाकी जो नए नए बने कौन कौन से, रणखड़, शाहबाद, शाहबाद से दो, और एक बीड घास वाला जो है, ये चीज़ें याद कर लेना। बोसियाल वाले दो हैं, बोसियाल, बोसियाल, और एक जवाई वाले भी दो हैं, जवाई बांध लेपर्ड वाले। ठीक है, ये चीज़ें याद रहेंगी। एक बार साइट पे विजिट कर लेना, इस वाले पे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट जो राजस्थान की, इसके ऊपर विजिट करना, वहां से निकालना डाटा। अगला क्वेश्चन करें, हरविंदर जी प्रणाम।
हाँ जी अगला क्वेश्चन करें। अप्रैल 2022 में, ये अभी बता दिया ना कौन सा है, रनखड़ जालौर के अंदर, रोटू नागौर में सबसे छोटा। ठीक है, मनसा माता झुंझुनू के अंदर, ये भी नया बना है। शाकंबरी सिक्कर में नहीं, ये झुंझुनू में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करें, जालौर से है क्या भाई कोई, जालौर से देखने वाला है क्या कोई? पशु शुभंकर और जिला कौन सा सुमेलित नहीं है? काला तीतर झुंझुनू, और ये क्रेन कुर्जा पक्षी जोधपुर, चीतल जयपुर, कब्र बिज्जू बांसवाड़ा। कब्र बिज्जू किसके बारे में बताया था? बांसवाड़ा में नहीं, उदयपुर का है। किसका है? उदयपुर। ठीक है, बांसवाड़ा में कौन सा है? जलपीपी। ठीक है, अपन वागड़ बेल्ट के देखें तो वागड़ बेल्ट के जो बांसवाड़ा है उसके अंदर तो क्या है? जलपीपी। शुभंकर क्या है? जलपीपी। डूंगरपुर में है जांगिल। क्या हो रहा है? डूंगरपुर में क्या है? जांगिल। प्रतापगढ़ के अंदर बताया था कौन सा? उड़न गलेरी। ठीक है, इससे ऊपर उदयपुर चले, उदयपुर के अंदर क्या है? कब्र बिज्जू। क्या है उदयपुर में? कब्र बिज्जू। चित्तौड़गढ़ के अंदर देखा था चौसिंगा। ठीक है, ये वागड़ के हो गए। अगला क्वेश्चन कर लें। अशोक विहार मृग वन, ये कौन से? मृग वन या मृग उद्यान। राजस्थान में टोटल कितने? सात। ठीक है, कौन कौन से हैं सात? देखो इनको याद करने की एक ट्रिक है, दो दोस्त थे, कौन थे? अशोक कौन कौन से थे दो दोस्त? अशोक और संजय। कहाँ के थे? जयपुर के थे। घूमने गए, कहाँ घूमने गए? जोधपुर। जोधपुर में उनको दिखाई दी अमृता देवी और उनको देखकर दोनों नाच गए। ठीक है, अमृता देवी, अशोक, संजय दो दोस्त थे जयपुर के, कहाँ घूमने गए? जोधपुर में। किनको देखा? अमृता जी को देखा और दोनों देखकर नाच गए। अमृता जी बोली उनको कि पुष्प लेकर आना और सज्जन तरीके से, कहाँ पर आना है? दुर्ग में। पुष्प लेकर आना, सज्जन बनकर नहीं आ रहा, सज्जन बन के आना, और क्या, कहाँ पर आना है? दुर्ग में। क्यों आना है? हाथ मांगने के लिए। ठीक है, तो पुष्प से पुष्कर, पुष्कर कहां पर हो गया? अजमेर। सज्जन से सज्जनगढ़, उदयपुर। दुर्ग से दुर्ग कहां पर है? चित्तौड़।
ठीक है। दुर्ग कहाँ पर है? चित्तौड़। तो ये मुख्यतः कौन से हैं? मृग वने, सात मृग वने उनको याद करने का। अशोक संजय जयपुर के अंदर है, अमृता देवी माचिया जोधपुर के अंदर है, पुष्कर अजमेर के अंदर, सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर, और दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो यहाँ कौन सा पूछा है? अशोक विहार मृगवन कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करें भी। राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है, ये करा दिया अभी, देखा था कौन सा है? शाहबाद, और सबसे छोटा रोटू, ठीक है भाई। आज तक कितना ही है? आज इतने ही क्वेश्चन है, आज पैनल काम कर नहीं रहा, इसलिए पढ़ाने में भी मजे नहीं आ रहे आज, ठीक है। और कल इन्हीं में से कोई और बेहतरीन क्वेश्चन निकालेंगे यहाँ से, और एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और जो देरी से शुरू की उसके लिए जो है क्षमा चाहते हैं भाई, हम आगे से ध्यान रखेंगे, कल से नहीं होगा। आज पैनल काम नहीं कर रहा था, सब लोग टाइम पर थे, पैनल ने जो है काम करना छोड़ दिया बीच में, इस वजह से देरी हो गई है। और अभी भी यहाँ पर जो है ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार जाते जाते जो है सेशन को शेयर कर जाएं, लाइक कर जाएं, ठीक है, और कमेंट में अपना फीडबैक देते रहें। कनक जी बोल रहे मैं नहीं, क्षमा कर रहे गुरु जी, ठीक है जी, मत करो, ठीक है। इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुस्कराते रहें, एग्ज़ाम के फियर से मुक्त रहें, पढ़ते रहें, ठीक है भाई। राम राम सा खम्मा गणी।